बिलासपुर जिला के गुमारवीं हलके के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार अनदेखी कर रही है और मौजूदा बीजेपी विधायक राजेंद्र गर्ग योजनाओं में फेरबदल कर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत परियोजनाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहना है गुमारवीं से पूर्व विधायक एवं पूर्व CPS राजेश धर्माणी का। बिलासपुर जिला के गुमारवीं हलके के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार अनदेखी कर रही है और मौजूदा बीजेपी विधायक राजेंद्र गर्ग योजनाओं में फेरबदल कर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत परियोजनाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहना है घुमारवीं से पूर्व विधायक एवं पूर्व CPS राजेश धर्माणी का। बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए राजेश धर्माणी ने पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंडोर स्टेडियम निर्माण, सड़कों का निर्माण घुमारवीं शहर में, पार्किंग की व्यवस्था सहित पार्क निर्माण पर झील व्यवस्था को लेकर पूर्व सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, मगर वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके साथ उनका कहना है कि 137 करोड़ की पेयजल परियोजना की स्वीकृति पूर्व सरकार द्वारा दी गई थी, जिसमें सुजानपुर के ब्यास नदी का पानी लिफ्ट कर घुमारवीं और बिलासपुर सदर विधानसभा हलके की जनता को पीने के लिए मुहैया करवाना था, जिसको लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी, मगर ब्यास नदी की जगह सतलुज नदी को योजना से जोड़ने के नाम पर योजना को सिरे नहीं चढ़ने दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से घुमारवीं हलके के लिए स्वीकृत योजनाओं पर काम शुरू करने की भी अपील की है, ताकि जनता को विभिन्न योजनाओं का फायदा मिल सके। राजनीति का आधार के ऊपर जो है, जो हमारी सरकार के समय में काम स्वीकृत हुए थे, कई परियोजनाएं जो हैं वो रुकी पड़ी हैं, पैसे को इधर से उधर करने का प्रयास हो रहा है या काम ना हो इसके लिए प्रयास जो है वो हमारे जो विधायक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे वहाँ पे कर रहे हैं। इंदौर स्टेडियम स्वीकृत कराया था, आज उस काम को जो है इधर उधर ले जाकर भटकाने का, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एक घुमारवीं शहर के अंदर जो है पार्किंग के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था जो था उसमें की थी, उसमें के मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास रखा था, टेंडर हो गए थे, पेड़ कट गए जहाँ ये बनना था, लेकिन आज उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको बोलते जी दूसरी जगह बनाएंगे। चाहे वो पार्क बनाने की व्यवस्था की बात थी, चाहे वो झील बनाने की व्यवस्था की बात थी, कई सड़कें हैं जो हमारे समय में नाबार्ड से स्वीकृत हुई, विधायक प्राथमिकता में डाली गई थी, आज वो काम जो है उनको रोका गया है। और एक बड़ी परियोजना जो पेयजल योजना थी, इसको सुजानपुर से ब्यास से पानी लिफ्ट करके घुमारवीं का सी लगभग 90% हिस्सा उसे कवर होना था, और सदर विधानसभा क्षेत्र की भी 6 पंचायतें उसमें कवर हो रही थी। 137 करोड़ की परियोजना, उसके लिए सारी जो तकनीकी और प्रशासनिक जितनी भी उसमें फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली गई थी। लोन लेने के लिए भारत सरकार से भी परमिशन ली गई थी, और ब्रिक्स में और जाइका में 2 जगह जो था वो पैसे के प्रावधान करने के लिए सरकार ने जो था अप्लाई किया था। सरकार बदलते ही उसको भी उलझाया गया कि अब हम ब्यास की जगह सतलुज से बनाएंगे। दोनों में ये बेहतर पाया गया था कि जो ब्यास से परियोजना बनाई जाएगी उसका जो है रखरखाव करना और उसकी गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर है, पानी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जिस जगह से बना रहे थे उसी जगह से पहले से ही हमीरपुर क्षेत्र के लिए एक बड़ी योजना जो है बनी है। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।